सहारनपुर में एक हैंडपंप के लिए सियासी संग्राम इन दिनों मचा हुआ है। यहां हैंडपंप उखाड़ने से गदर मच गया है। हैंडपंप के उखाड़ने के बाद से ही नेताओं का जमघट लगना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, दो विधायक ने तो धरने पर ही बैठ गए हैं। नेताओं की जिद है कि हैंडपंप को दोबारा लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हैंडपंप उखड़ने से हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। उनका सीधे यह कहना है कि हैंडपंप को दोबारा लगने नहीं देंगे। ऐसे में एक हैंडपंप प्रशासन के लिए अब पूरी तरह से सिरदर्द बना हुआ है। माहौल ऐसा बन गया है कि एक हैंडपंप के लिए जिले के आला अफसरों को पुलिस फोर्स की तैनाती तक करनी पड़ रही है। प्रशासन की तरफ से समाधान खोजा जा रहा है, लेकिन स्थिति एक तरफ तिकती नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, धरने, प्रदर्शन और उसके बाद यह नारेबाजी। ऐसे में प्रशासन मामले को निपटाने के लिए कई तरीके ढूंढ रहा है कि मामले को किसी तरह से शांत किया जाए, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या हैंडपंप के जरिए शांत रहे सहारनपुर के माहौल को बिगाड़ने की सियासी कोशिशें हो रही हैं। आखिर एक हैंडपंप के लिए सियासत को जन्म देना कितना सही है? इन सभी सवालों के जवाब आज उन नेताओं से भी लेंगे जो सियासत इस पर खूब कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, उसने वाकई कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। यह तस्वीर सहारनपुर की है। नेताओं का धरना और प्रशासन, तमाम अधिकारी जो प्रशासनिक है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं एक हैंडपंप के विवाद को लेकर, और इस पर सियासी संग्राम सहारनपुर पे विश्व हिंदू परिषद और लगातार तमाम जो संगठन हैं वो अब धरने पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, हालांकि कई लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब धरना प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को खबर लगी, तमाम मौके पर पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों को वहां से, जहां धरना दिया जा रहा था, हिरासत में भी लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या एक हैंडपंप के विवाद को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देना कहां तक सही है? क्या यह कोई माहौल बिगाड़ने की साजिश है, कोशिश है? अगर हो रही है तो प्रशासन को क्या ठोस एक्शन नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं आज, क्योंकि यह 40 साल पुराना हैंडपंप बताया जा रहा है, जिसको वहां से हटाया गया, उसके बाद किस तरह से विवाद हुआ उसकी तस्वीरें देखिए आप। ये सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता जो कि वहां पर पहुंचे धरने के लिए और सवाल उठाए, क्योंकि अब दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि हैंडपंप वहां पर लगा रहे, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भैया वहां से हैंडपंप को क्यों उखाड़ दिया गया है। और उसी में अब ये विवाद आगे बढ़ता हुआ, राजनीति भी अब इस पर हो रही है। कई सारे नेता धरना स्थल पर हमने देखे। ये मामला क्या है पूरा, जरा आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सबसे पहले समझिए आप भी जरा, यूपी के सहारनपुर में हैंडपंप को उखाड़ने पर सियासी गदर मची हुई है। यहाँ वैसी ही भीड़ है जैसी आपने गदर फिल्म में देखी थी, लेकिन किरदार अलग है, कहानी भी कुछ अलग है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हैंडपंप के लिए यहाँ नेताओं का जमघट है, हिंदू संगठनों का जमावड़ा है और पुलिस बल भी एक्शन में है। अब पूरा मामला भी चलिए आपको बता देते हैं। ये मामला 40 साल पुराने हैंडपंप को उखाड़े जाने को लेकर है। यहाँ के बेहट थाना क्षेत्र के मोहल्ला मनिहारन में एक हैंडपंप एक दुकान के सामने आ रहा था। दुकानदार ने प्रशासन से शिकायत की, प्रशासन ने नल को उखाड़ दिया। बस फिर क्या था, नल के उखाड़ते ही सियासत तेज हो गई। नल पर फिर से लगाने के लिए स्थानीय विधायक नरेश सैनी और सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के आगे नल लगवाने के लिए अड़ गए। ये क्या पूरा मामला है, थाने में क्यों धरना दिया गया है? कोई धरने का थाने में कोई कार्यक्रम नहीं था। कल एक यहाँ नल प्रशासन ने एक व्यवस्था के तहत वो उखाड़ा, क्योंकि सड़क के बीच में आ रहा था, प्रशासन ने वो उखाड़ दिया और यहाँ के कुछ लोगों ने धरना, प्रशासन को दबाव देने के लिए यहाँ धरना दिया था। विधायकों के धरने के बाद बजरंग दल के संगठनों ने रोष व्यक्त किया और जहां नल लगा था वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और दोबारा नल ना लगाने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया। ये मामला प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है।
एक तरफ विधायक नल लगवाने के लिए अड़े हैं, तो दूसरी तरफ बजरंग दल नल ना लगवाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। विधायकों के धरने देने और दबाव डालने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और आला अधिकारियों ने नल दोबारा लगवाने का आश्वासन दिया। आज यहाँ पे जो रामपुर मनियारा वो रामपुर सॉरी कह रहा मनियारा मोहल्ला पड़ता है भेट में, वो एक नल था और उस नल को पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन ने टोटल जाकर उसको कटर से काट के बाहर निकाल दिया। किसी की शिकायत नहीं थी वो इन्हें पता होगा, लेकिन वो जो नल था वो हिंदू ने लगवाया। काम्बो साहब हैं 80 साल के आज भी हैं, 20 साल पहले वो नल लगातार एक परिवार के हिंदू परिवार के द्वारा चला, फिर वो नगर पंचायत के लिए चला, वो 40 साल से लगातार वो नल चल रहा है लगातार। जिस हैंडपम्प को लगवाने के लिए 60 साल से जो हैंडपम्प चल रहा था पानी दे रहा था उसको एक मिनट में काट करके हटा दिया गया। बात हैंडपम्प की नहीं है, हैंडपम्प दोबारा भी लग सकता है। वही मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि धरना देने वाले विधायकों को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। शांति व्यवस्था बनी रहे इसीलिए पुलिस फोर्स तैनात है, जल्द ही कुछ समाधान किया जाएगा। अब सवाल है कि जब एक दुकान के सामने लगे नल को खुद दुकानदार ने अधिकारियों को शिकायत करके हटवाया तो आखिर इस मामले में सियासत क्यों हो रही है? अब देखना होगा कि हैंडपंप की सियासत पर प्रशासन अगला कदम क्या उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हैंडपंप को लेकर गदर मचा हुआ, आपने देखा कि लगातार इस पर हंगामा हुआ है, धरने पर नेता भी वहां पर बैठे हुए हैं क्योंकि दुकानदार की शिकायत के बाद ही प्रशासन ने बताया जा रहा है उस हैंडपंप को वहां से हटाया और उसके बाद क्या स्थिति थी यह तस्वीर हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखाई। योगेश आर्य सहारनपुर से हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, हमने पूरी तस्वीर दर्शकों को दिखाई इस पूरी रिपोर्ट में, अभी इस पूरे मामले पर अपडेट बताइए हमें क्योंकि हंगामा जिस तरह से वहां पर हमने देखा, धरना देखा और प्रशासनिक अधिकारियों ने हालांकि कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है, ताजा तस्वीर दिखाइए अभी वहां की कुछ है तो। देखिए शंकर, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के भेड़ क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर जो है एक व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी दुकान के आगे नल को लेकर के प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन लंबे समय से शिकायत पर निस्तारण न होने के कारण उन्होंने दोबारा से शिकायत की, जिस पर जो है एसडीएम भेट ने इस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए वो नल हटवाने के लिए जो है आदेश कर दिए थे, जिस पर ये नल हटवा दिया गया था क्योंकि वो उसकी दुकान के बिल्कुल सटीक सामने आ रहा था, दुकान को खोलने में और बंद करने में काफी परेशानी देखने को मिल रही थी। और इसी जैसे ही ये नल हटा तो तमाम जो है सियासी संग्राम इस पर छिड़ गया और जैसे ही सियासी संग्राम छिड़ा तो तमाम जो है संगठन जो है आमने सामने आ गए। पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है इस पहुंची और जो है उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया, लगातार 3 दिन से इस पर संग्राम छिड़ रहा है। फिर बजरंग दल के लोगों ने थाने का घेराव किया, प्रशासन के पक्ष में जो है उन पर दबाव न आए उसको लेकर के वहां पर जो है हनुमान चालीसा पाठ किया, कोतवाली पर घेराव किया। तो तमाम जो है बजरंग दल चाहता है कि वहां पर हैंडपंप दोबारा न लगे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि वहां पर हैंडपंप दोबारा लग जाए, तो तमाम ये सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। हालांकि जो व्यापारी है वो अब इसी पूरे संग्राम से इतना तंग आ चुका है कि आज उसने जो है आज ताजा अपडेट यही है इस मामले में कि उस व्यापारी ने प्लान करने के लिए जो है कदम उठा लिया है। उसने कहा है कि अब मैं प्लान कर लूंगा क्योंकि मुझे जो है तमाम धमकियां दिया जा रही हैं। और हालांकि प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन जो है इस पूरे हैंडपंप को 5 से 7 मीटर दूरी पर लगवाकर दोबारा चलवाना चाह रहा है क्योंकि दुकान से हटवाना चाह रहा है क्योंकि दुकानों में प्रॉब्लम आ रही थी, दुकान बंद होने में और खुलने में समस्या आ रही थी। तो अब दोबारा से प्रशासन चाहता है कि 5 से 7 मीटर दूरी पर लग जाए ताकि नल भी लग जाए और प्रशासन जो व्यापारी की समस्या है वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, आपके पास लौट रहा हूँ। एसपी सिटी राजेश कुमार जी मेरे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो तस्वीर सहारनपुर से हम दिखा रहे हैं हैंडपंप को लेकर जो पूरा गदर, जो पूरा विवाद मचा हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर हम आपसे थोड़ा जानकारी चाहते हैं। जब दुकानदार ने खुद प्रशासन को ये कहा कि इसे हटाया जाए, जब हटाने की कवायद शुरू हुई तो ऐसे तमाम संगठन, तमाम नेताओं का वहां पर धरना देना क्या दिखाता है? ये बेहद का है, बेहद नगर पालिका क्षेत्र का। वहाँ से दो दुकान के बीच में एक नल लगी थी, एक दुकानदार तो चाहता था वो नल बनी रहे, दूसरा दुकानदार उसको जो है उस नल के लिए एक नगर पालिका में एप्लीकेशन देता है कि इसको जो हटाया जाए, इससे जो है हमारी दुकानदारी बाधित होती है,
इसपे जो वहाँ पे लोकल एसडीएम है और जो ईओ है उन्होंने जांच किया, जांच के बाद उस नल को हटवा दिया था। ठीक है, उसको लेके फिर वहाँ पे कई राजनीतिक समूह आ गए और उसको एक पक्ष आ गया कि वो हटा हुआ नल पुनः लग गया और एक पक्ष था कि अब जो हट गया तो रहना नहीं चाहिए। इसको लेके तमाम सारी चीजें थी। उसी में कल कुछ वहाँ के जो लोकल विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे, उनको फिर वहाँ की जो पुलिस ने उसको उनको गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाई थी। फिर बाद में उनको एडीएम प्रशासन ने बेचकर मुचलके पे छोड़ दिया था। तो वहाँ अभी जो है एक जो वहाँ के जो सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने, लेकिन लेकिन राजीव जी इससे तो माहौल बिगड़ गया वहाँ पर। नहीं नहीं, कोई माहौल बिगड़ने की बात नहीं उसमें आई है, कहीं कोई माहौल नहीं बिगड़ा था, बस वही था कि दोनों लोगों ने अपना एक इशू बना लिया था दोनों पक्षों ने, एक पक्ष चाह रहा था वहाँ लगा रहे, एक पक्ष चाह रहा था वहाँ से हट जाए। फिर वहाँ पे उसका समाधान आज शायद हो गया है, वहाँ पे अभी कुछ वहाँ के अधिकारियों से जानकारी करने पर। तो ये विवाद जो था ये खत्म हो गया, आप ये कह रहे हैं? अभी संभवतः खत्म हो गया है, ये चूंकि देहात क्षेत्र का मामला है। हाँ। तो जैसा कि मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम जान पाया हूँ कि वो समाप्त हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो जानकारी दे रहे थे हमें, वो धरना करीब करीब खत्म हो गया वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से ये स्थिति सामने आई है वाकई में ये कई सवाल खड़े करता है। मंसूर अख्तर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, विधायक हैं सहारनपुर देहात के। मंसूर अख्तर साहब, ये क्या तस्वीर हमें नजर आ रही है सहारनपुर में, ये तो बहुत सारे सवाल ऐसे ही खड़े करती है। क्या विवाद है, क्यों हैंडपंप को लेकर इतना गदर, इतना बवाल मचा हुआ है? ऐसा है सर, कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल बहुत छोटी सी बात थी और उसको तूल दे दिया गया है। बात सिर्फ इतनी है कि एक मार्केट है बेहट में, ठीक है, वहाँ हैंडपंप वो लगभग 50 साल से इंस्टॉल हुआ हुआ था, जिससे मार्केट के लोग और जो कस्टमर आते थे वो पानी पीते थे उससे, और आसपास के जो लोग रहते थे, रेजिडेंशियल एरिया था वो, पानी जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है टंकी का वो लोग पानी पीते थे, उसको इस्तेमाल में लाते थे। हुआ ये कि एक जिसने एक प्रॉपर्टी डीलर है वहाँ पे, जिन्होंने दुकान खरीदी थी जी, वो उसको किसी दूसरे को बेचना चाह रहे थे, जो मुझे बात पता लगी है अंदर की। और वो हैंडपंप इसलिए उन्होंने हटवाया कि मेरी दुकान की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा। जबकि जो हैंडपंप इंस्टॉल था वहाँ पे, दोनों दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की हैं, जिनके बीच में वो हैंडपंप था। नहीं तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात कहाँ आ रही है मसूद अख्तर साहब? हाँ, इसमें है ही नहीं, इसमें हाँ। हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है सर। हाँ। ये तो प्रशासन ने इसको पानी को भी बताइए हिंदू मुस्लिम कर दिया है, इससे बड़ी हमारे लिए क्या मुश्किल हो सकती है? पीने के पानी को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया, लेकिन तो क्या हो सकता है? लेकिन लेकिन हमने, जी जी बोलिए बोलिए, हमने प्रशासन से ये कहा जब उन्होंने वो हैंडपंप हटवा दिया गैर कानूनी तरीके से, कोई हैंडपंप जो सरकारी हैंडपंप चलता हुआ होता है या कोई कुआं होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि वो हटना नहीं चाहिए, अगर उससे कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। नरेश सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं बेहट के। नरेश जी, मुझे बताइए कि एक पक्ष ये चाह रहा कि हैंडपंप लगे, दूसरा पक्ष ये चाह रहा कि हैंडपंप नहीं लगे, भाई इतना विवाद क्यों हैंडपंप को लेकर? जो पक्ष चाहता है हैंडपंप लगे उसे तो जरूरत है पानी की, वो तो पानी के लिए तरसता है, और जो पक्ष चाहता है हैंडपंप ना लगे वो प्रॉपर्टी डीलर है, उनका मकसद अपनी दुकान की वैल्यू बढ़ाना है, वो नहीं चाहते गरीब लोग वहाँ बसे, गरीब लोग जनता पानी पीवे, जो बाहर का देहात का आदमी आता है उसे पानी मिले और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें पानी मिले। हाँ। तो उनकी सोच में अंतर है, दोनों की सोच में डिफरेंसेस है। ठीक, अख्तर साहब आप सुन रहे हैं नरेश जी को? जी हाँ जी हाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ये विवाद जानबूझ के किया गया है स्थानीय प्रशासन द्वारा। नहीं तो जानबूझ के अख्तर साहब, ये तो शिकायत दी गई थी ना दुकानदार की तरफ से, जब प्रशासन को कोई शिकायत मिलेगी तो उसके बाद प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर वहाँ जरूरत हो उस चीज की तब कार्रवाई होनी चाहिए ना, जब 50 साल से एक हैंडपंप बिल्कुल किनारे पे था, दोनों दुकानों के बीच में था,
तो उससे हैंडपंप चल रहा था, तो उससे परेशानी किसको है? परेशानी सिर्फ उसको थी जिसके जो उस दुकान को बेचना चाह रहा था और उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाह रहा था, सिर्फ इस वजह से वो हैंडपंप कटा है। और जो स्थानीय लोग हैं जो चाह रहे हैं, वो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो उसको लगवाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने, जब हमने प्रशासन का रवैया ये देखा कि ये इस हैंडपंप को दोबारा नहीं लगवा रहे हैं और ये दूसरी तरफ इसका टूल दे दिया है, हिंदू मुस्लिम टूल दे दिया है, तब हमने तो हिंदू मुस्लिम टूल अख्तर साहब कौन दे रहा है? आप ही लोग तो जाके धरना दे रहे हैं वहाँ पर, हंगामा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने तो नरेश जी कुछ कह रहे हैं जी, 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 आप ये बताइए, अच्छे काम के लिए धरना देना कोई अपराध है क्या? हमें हिंदू मुस्लिम का तुल दे रहे हैं, हम तो नलके के लिए तो कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, हम तो पानी वहां नल लगा दें, हम तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, उसको नल को लगवाने वाला हिंदू, दुकानें दोनों हिंदू की, तो हिंदू मुस्लिम कहां से? ये प्रशासन पर छोड़ दीजिए ना सर, ये तो प्रशासन पर छोड़ दीजिए ना, आप लोग क्यों फैसला करने के लिए पहुंच गए वहाँ पर? प्रशासन कोई गलत काम करेगा उसका विरोध? अरे तो आप लोग फैसला करने के लिए इस तरह से पहुंचेंगे नरेश सैनी जी, तो सवाल उठेगा ना, उसका विरोध जनता करती है, फैसला नेता जी आप नहीं करेंगे ना, कानून करेगा, प्रशासन करेगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र में यदि कोई भी सरकार गलत काम करेगी उसके जनता विरोध करती है, हम जनता के प्रति उसका विरोध करेंगे, जिस शख्स ने, जिस दुकानदार ने प्रशासन को कहा कि भैया यहां से हटवाइए, उसने बकायदा कानूनी तौर पर इस बात को कहा है, उसने जबरदस्ती थोड़ी ना हटाया नरेश जी को, अगर रातों रात कोई दुकानदार, कुछ संगठन, कुछ लोग वहां से हैंडपंप को हटा देते तो आपकी बात जायज थी बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो गलत कह रहे, फिर आप लोगों का वहाँ पर जाना, धरना देना, इस तरह से माहौल खराब करना, रहने वाले नहीं है, सुनो, शिकायत करने तब वहाँ के रहने वाले नहीं है, जो शिकायत कर रहे उसको वो रहने, उसकी शिकायत बताओ तो, जो एक आदमी जिन लोगों ने शिकायत कर दी थी वहाँ का लोकल रहने वाला हो, आप इधर उधर के लोगों के नाम डाल दो, ये कोई शिकायत करता नहीं, ये टोटल प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है, टोटल मिलीभगत से हुआ है प्रशासन की। मसूद अख्तर जी, नरेश जी कह रहे हैं क्या ये प्रशासन की मिलीभगत है जिससे नौबत आई अभी? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं लगता है इंटेंशन, क्योंकि वहाँ के जो रिपोर्ट लगवाई गई है, कि लोगों की रिपोर्ट से वो हटाया गया है, वो वहाँ मार्केट के जुड़े हुए लोग नहीं थे, वो कोई बाहर के लोग थे, तो इसे ये लगता है कि इसमें इंटेंशन कुछ था कि भाई ये हटे, और इसमें कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी। हमारा सिर्फ ये कहना है, हम इसीलिए उससे हट गए हैं पीछे, हम पीछे इसलिए हट गए क्योंकि हमने हमारा उस पर अब कोई विरोध नहीं रहा, जब हमें तानाशाही रवैया इस सरकार का, शासन का, प्रशासन का एक बार फिर से तानाशाही रवैया उजागर होने का काम हुआ है, और जब हमने देखा हम लोगों के बीच में वहाँ, हमने रोज ही समझाया भैया लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, ये हैंडपंप है, ये आज नहीं लगेगा कल लग जाएगा परसों लग जाएगा, यहाँ दूसरी जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब तो हो रहा है ना, आप लोगों ने देखा वहाँ पर किस तरह से धरना दिया गया, वहाँ पर हंगामा हुआ, सर ये क्या तस्वीर थी? लॉ एंड ऑर्डर खराब हम करना चाहते तो हो चुका होता, लेकिन हमने अपने लोग, जो भी लोग थे जो हमारे समर्थक थे, हमने उनको कहा देखो भैया हैंडपंप बाद की चीज है, पहले हमें मोहब्बत प्यार जो हमेशा का एक नहीं, तो ये मसूद अख्तर जी, क्या आपको लगता नहीं कि अगर वाकई ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी स्थिति आ गई थी, आप जाते प्रशासन के पास जाते और जिसने शिकायत की थी आप उन लोगों से बात करते, बजाय कि धरना स्थल पर पहुंच के इस तरह से हंगामा करना? सर इससे तो माहौल बिगड़ेगा ना अख्तर साहब, जिन लोगों ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया है, चुना है नरेश जी को, वहाँ के लोगों ने बुलाया है, अगर वो बुलाएंगे तो क्या उनको प्रतिनिधि को, उनको जिनको चुना है 3 लाख जनता ने, तो क्या वहाँ उनके बीच में नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो वो हाथ जोड़ लेंगे कि भैया जाइए, आपको जब हमारी जरूरत पड़ती है हम आपके साथ खड़े हैं, जब आपकी हमें जरूरत पड़ती है तो आप पीठ दिखा जाते हैं। अच्छा, आप दोनों बने रहिए, हरीश कौशिक जी हमारे साथ जिला संयोजक हैं बजरंग दल के, वो जुड़ रहे हैं। हरीश जी, मेरे साथ नरेश जी जुड़े हुए हैं, अख्तर साहब जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत थी जिस वजह से पूरा कारनामा हेडपंप को लेकर गदर मचा है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जी बोलिए। अगर इस मामले पर अगर विधायक जी मौके पर पहुंचे थे, अगर इन्हें लगता था कि प्रशासन के द्वारा मिली भगत से उठाया गया निकाल,
तो इन लोगों क्या हिंदू पक्ष की ओर से वो नहीं करना चाहिए था, ये मुस्लिम एक पक्षीय कार्रवाई के लिए धरने पर बैठ गए। क्या विधायक जी को वहां पर जाकर समझौते की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या इन लोगों के लिए मुस्लिम पक्ष ज्यादा वो है, हिंदू पक्ष की ओर से इन्हें धरने पर नहीं बैठना चाहिए था? और अगर वो नलकूप वहां पे अवरोध पैदा कर रहा था दुकान के सामने, तो वो नलकूप वहां से हटवा के दोबारा दूसरी जगह पे तो लगाया जा सकता था क्या? यह दुकान एक पर्टिकुलर आदमी के, एक पीड़ित परिवार के दुकान के सामने नलकूप खड़ा है, ठीक है, तो वहीं पर नलकूप लगना जरूरी था क्या? ठीक है, नरेश जी आप जुड़े हैं हमारे साथ। जी हाँ हाँ मैं जुड़ रहा हूँ। जी जी जवाब दीजिए हरीश जी का। आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष की तो कोई बात ही, दोनों दुकानें हिंदू की हैं, इसमें तो हिंदू पक्ष की बात ही, जहां तक दूसरी बात इन्होंने एक बात कही कि ये उन्होंने जाकर प्रशासन के पास जाना चाहिए था, क्या प्रशासन ने उसके पहले नहीं उन लोगों की राय मशवरा लेना चाहिए था? उन्हें जाके प्रशासन के थ्रू, पुलिस के थ्रू जाके इस तरह एक जैसे एक आतंकवादी को घेर रहे हो, वहां जाकर लोगों के मोहल्ले को पूरा घेर लिया और बाहर अनाउंस कर दिया कि यदि कोई बाहर निकलेगा तो मुकदमा दर्ज कर देंगे, और उसके बाद वो कटर से काट के कटर से कैसे काट दोगे नल को? क्या उचित है नल को कटर से काट देगा? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? वो नल वहाँ पे गलत था और प्रशासन के द्वारा हटाया। आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे ना इसी है गलत नहीं था। यदि गलत था भी तो एनसीएम ने क्यों कहा मैं ही दोबारा लगवा दूंगा? यदि गलत था वो क्यों आश्वासन दिया उन्होंने हम ही लगवा देंगे दोबारा? सीओ ने क्यों आश्वासन दिया हम इसे दोबारा ही लगवाओगे? क्या आप बताइए लोग जो बैठे हैं धरने पे कि दोनों पक्ष से बात करें? हम तो मेरे पास तो जिन जिन लोगों ने नल का लगवाया वो कांबोज समाज के लोग हैं, वो मेरे पास साथ थे, जो बराबर की दुकान है खुराना जी की वो मेरे साथ थे, वो दोनों सहमत थे इस बात के साथ वहाँ पे धरने पे बैठे थे। मेरे साथ तो दोनों हिंदू लोग थे, तो मुस्लिम मेरे साथ तो चलिए ठीक है ये विवाद आगे ना बढ़े। आपका काम यही है, आप तो केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं कर रहे वहाँ पे। आपने मौके पर पहुंचकर वहाँ पे राजनीति शुरू की है। हमने लोगों की आवाज को उठाया, प्रशासन ने आवाज को दबाने का काम किया, हमने आवाज को उठाने का काम किया। हम गरीब की आवाज को दबने नहीं देंगे, हम गरीब की आवाज को दबने नहीं देंगे, हम गरीब की आवाज को उठाने का काम करेंगे। और जनता नहीं, हरीश जी देखिए, हरीश जी ऐसे मामलों में प्रशासन हस्तक्षेप करता है, कानून है, और किसी को ये इजाजत नहीं होती है कि किसी तरह से माहौल खराब किया जाए। हम लोग प्रशासन के साथ हैं, हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि क्षेत्र में ऐसा कोई भी विषय उत्पन्न हो, लेकिन विधायक जी ने वहाँ पर धरने पे बैठ के विरोध उत्पन्न किया है क्षेत्र में उस चीज का। आप लोग भी तो गए ना फिर, हम लोगों ने धरना। हरीश जी आप लोग भी तो गए, नरेश जी गए तो मैं कह रहा हूँ बैठने का कहीं नहीं है। आप सड़क के बीच में हनुमान चालीसा। विधायक जी हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे, एसडीएम साहब वहाँ पर लेट हो गए आने में धरने में, तो हम लोगों ने बैठकर हनुमान चालीसा। अच्छा हरीश जी मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, अभी आप क्या चाहते हैं? हमारी यही मांग है, प्रशासन ने वहाँ से हैंडपंप हटवा दिया है, प्रशासन का कार्य सराहनीय है, वहाँ पर हैंडपंप नहीं लगने दिया जाएगा। विधायक जी को चाहिए था कि वहाँ पर अगर ये पहुँचे थे दोनों पक्ष को समझाकर और आपस में समझौता कराना था। इसका मतलब ये नहीं कि एक पक्ष, ठीक है नरेश जी आप सहमत हैं हरीश जी की बात से, एक लाइन में जवाब दीजिएगा प्लीज। ये हैंडपंप लोगों की जरूरत है ना, तो ये हरीश जी की नरेश जी की, जो जहाँ पे लोग चाहते हैं वहाँ के जो हिंदू मुसलमान सब लोग चाहते हैं वहाँ हैंडपंप लगना चाहिए, उनकी जरूरत है और जहाँ था वहाँ लगना चाहिए। ये कैसे कह रहे? यदि प्रशासन उसको उखाड़ देगा इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन अधिकारी ने गलत निर्णय लिया उसको सस्पेंड होना चाहिए। अख्तर साहब आप जुड़े हमारे साथ, तो कौशिक जी कह रहे हैं कि वहाँ पहुंचे वो और ये गलत है, एक तरफा आप लोग धरने पर बैठे, एक पक्ष के फेवर में आप लोग गए वहाँ धरना देने के लिए। नहीं, ये सरासर गलत है, किसी एक पक्ष के लिए हम नहीं गए, हमारे लिए दोनों बराबर हैं सर। राजनीति में कोई एक पक्ष नहीं होता, राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बगैर काम नहीं चलता। एक पक्ष से कोई नहीं जीत सकता, कोई नेता नहीं बन सकता, कोई विधायक नहीं बन सकता, एमपी नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरी बात ये, वहां कोई हिंदू मुस्लिम का मतलब ही ना आज है ना कल था ना परसों होगा। चलिए ठीक है, हम लोग इससे बहुत दूर हैं। यही उम्मीद करते हैं अक्षर साहब आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नरेश जी आपका और हरीश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवाद नहीं होना चाहिए, हैंडपंप के नाम पर माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश हुई है उसको प्रशासन ने देखना चाहिए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.